गुलाम नबी आजाद जी, हमारे कैंडिडेट अशोक तनवर जी, दुराराम जी, भैया भैया इसको उल्टा कर देंगे, दुराराम जी, परमवीर सिंह जी, जरनेल सिंह जी, हंसपाल जी, केवी सिंह जी, भरत सिंह जी, स्टेज पे हमारे सीनियर नेता भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव चल रहा है, 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन में अलग अलग वायदे किए थे, जहां भी जाते थे हर मीटिंग में 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। मिल गया? कोई है यहां जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? नहीं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा। मिल गया? मिला आपको? किसानों को सही दाम, कर्जा माफ करके 56 इंच छाती वाला प्रधानमंत्री दिखा देगा। हो गया? नहीं। और अब इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ना रोजगार की बात करें, ना किसानों की बात करें, ना 15 लाख की बात करें, और जब भाषण होता है नरेंद्र मोदी जी का, 2 आईने लगते हैं, एक इस तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता है, टेलीप्रॉम्प्टर से नरेंद्र मोदी जी पढ़ के भाषण देते हैं। सच्चाई देश के सामने आ गई, और नफरत है, जहां भी जाते हैं नफरत। हरियाणा में एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे किसी की बुराई कराएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे कहेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की बुराई करेंगे, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 5 साल में आपने किया क्या? क्या दिया आपने देश को? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है, नरेंद्र मोदी जी की देन। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पकौड़े, नहीं पहले कहा मेक इन इंडिया होगा, पहले मेक इन इंडिया कहा, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया कहा, उसके बाद स्टैंड अप इंडिया कहा, उसके बाद पकौड़े कहा। बनने वाले हैं, पांच महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे कहा देखिए ये पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों को दिया है, सिरसा की जनता से पैसा छीनकर, किसानों से पैसा छीनकर अनिल अंबानी जैसे चोरों को नरेंद्र मोदी ने दिया है। और मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से कहा देखिए एक काम कीजिए, मैं भी पैसा देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी पैसा देना चाहती है। मुझसे पूछते हैं किसको देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को दिया, हम 25 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देना चाहते हैं। चिदंबरम जी ने कहा ये आपने कैसी बात कर दी, ऐसे थोड़ी पैसा दिया जाता है, सरकार बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी डाल सकती है। मैंने कहा यह अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में किसने पैसा डाला? ये हिंदुस्तान की सरकार ने तो डाला, नरेंद्र मोदी ने तो डलवाया,
नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए किसने डाला? जापान की सरकार ने तो नहीं डाला, चाइना की सरकार ने तो नहीं डाला, हिंदुस्तान की सरकार ने डाला। तो आप कैसे कह सकते हो कि बैंक अकाउंट पे पैसा नहीं जा सकता है? आप एक काम कीजिए, मैंने थिंक टैंक इकोनॉमिस्ट से कहा है, एक काम कीजिए, जाइए पता लगाइए। मैं पैसा डालना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पैसा डालना चाहती है, सिरसा की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहती है। आप जाके हमें पता लगाइए कितना पैसा डाला जा सकता है। अगर बहुत कम होगा तो हम नहीं करेंगे, मगर अगर अच्छा नंबर तो फिर हम काम करेंगे। एक शर्त है, नुकसान नहीं होना चाहिए। दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का, युवाओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। टीम वापस गई, कुछ ही दिन पहले मेरे ऑफिस में आते हैं, कागज पर एक नंबर लिख देते हैं, 72,000। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये 72,000 क्या है? कहते हैं राहुल जी आपने कहा था 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, 72,000 रुपए हम उनके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। मैंने कहा ठहरिए, मैंने कहा ठहरिए, कितने समय में? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, कितने समय में डालेंगे? मुझे कहते हैं राहुल जी बिल्कुल सीधी सी बात है, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 360,000 रुपए हम डाल सकते हैं। फिर मैंने पूछा सिरसा के युवाओं का, सिरसा के युवाओं का, दुकानदारों का, छोटे बिजनेस चलाने वालों का नुकसान तो नहीं होगा? क्या हम गरीबों की मदद करने में मध्यम वर्ग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या हम दुकानदारों को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? टीम मुझे कहती है नहीं राहुल जी, बिल्कुल नहीं, उल्टा है, न्याय योजना का पैसा मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस वालों को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। मैंने कहा कैसे, यह कैसे हो सकता है? कहते हैं राहुल जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द किया, जनता की जेब से पैसा निकाला, गरीबों की जेब से निकाला, छोटे दुकानदारों के जेब से निकाला, बिजनेस वालों के जेब से निकाला, और अनिल अंबानी जैसे 15 चोरों के जेब में डाला। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने सिरसा की जनता की जेब काटी, जैसे ही उन्होंने उनके जेब में हाथ निकालकर पैसा निकाला, सिरसा की जनता ने माल खरीदना बंद किया। सिर्फ गरीब लोगों ने नहीं, मिडिल क्लास वालों ने, बिजनेस चलाने वालों ने, दुकानदारों ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही सिरसा की जनता ने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्री के मालिक ने कहा, फैक्ट्रियों के मालिकों ने कहा चलो फैक्ट्री बंद करते हैं, कुछ बिक नहीं रहा, शर्ट पैंट क्यों बनाए, जूता क्यों बनाए, नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, वहां कोई खरीद नहीं रहा है, दुकानें बंद पड़ी हैं। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची और 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती। अब टीम ने मुझे बताया राहुल जी जैसे ही न्याय योजना का पैसा जाएगा, 25 करोड़ लोगों के हाथों में जाएगा, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा, हर महीने 6,000 रुपए, हर महीने ठगाक 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। आपको 2-3 नंबर याद करने हैं, आपको 2-3 नंबर याद करने हैं, 6,000, 72,000, 360,000, ठीक है? जैसे ही ये पैसा जाएगा, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता, सिरसा के युवा, सिरसा के गरीब लोग, सिरसा के किसान माल खरीदना शुरू करेंगे।
कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई साबुन, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। जैसे ही आपने माल खरीदना शुरू किया वैसे ही दुकानें शुरू हो जाएंगी, जैसे ही दुकानें शुरू होंगी वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिक सिरसा के युवाओं को बुलाएंगे, कहे वापस आओ, चलो वापस आओ, इधर आओ। युवा कहेंगे क्यों आए, कहेंगे भैया फैक्ट्री चालू हो गई, नरेंद्र मोदी चला गया, न्याय योजना हो गई, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, अशोक तंवर सिरसा का एमपी है, चलो चलो चलो, और रोजगार शुरू हो जाएगा। और जो बेरोजगारी से आपको चोट लगी है, जो चोट लगी है उसको न्याय योजना ठीक करेगी। पैसा मिडिल क्लास से नहीं आएगा, पैसा मिडिल क्लास से नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, मध्यम वर्ग के लोग सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पैसा छीनकर अनिल अंबानी की जेब में डाला है। मैं आपको यहां से गारंटी कर रहा हूं, न्याय योजना का एक रुपया मध्यम वर्ग से नहीं आएगा, टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कहां से आएगा, मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी न्याय योजना का पैसा अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब से आएगा। आपने उसको 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट दिया, आप सिरसा के शहीदों के परिवारों से कहिए, सिरसा के जो लोग हैं जो अपनी जान देते हैं, अपना खून अपना पसीना इस देश के लिए देते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, सीआरपी, बीएसएफ, नेवी, कहीं भी देख लो सिरसा के युवा आपको मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी आप सिरसा के युवाओं को यह कहो, कल आए थे ना, कब आए थे प्रधानमंत्री, कल आए थे ना, कल आए थे ना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए थे नरेंद्र मोदी जी, आप सिरसा के युवाओं को बताओ कि आपने अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। यहां पे अभी भैया अच्छा भैया भाषण तो करने दो, आप नरेंद्र मोदी जी जनता यहां सुनिए, प्रेस वालों आप देखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, जनता के मन में आवाज है, दिल में आवाज है, जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी आप यहां आए हो, आप हमें समझाओ, हम समझना चाहते हैं। सिरसा में एयरबेस है, यहां पे एयरफोर्स का सेंटर है, नरेंद्र मोदी जी जनता आपसे समझना चाहती है। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, बनाना नहीं जानता, अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके भाई ने उसको बचाया, जेल जाने से उसके भाई ने बचाया, एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। नरेंद्र मोदी जी सिरसा के युवा समझना चाहते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में सिरसा में नहीं बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मोदी जी आप आते हैं, जनता कहती है चौकीदार चोर है, आप जनता को समझाइए, आप जनता को समझाइए, आप सिरसा के युवाओं को समझाइए, क्योंकि भाइयों और बहनों ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, ये वेपन सिस्टम है, ये वेपन सिस्टम है, मतलब ये 21वीं सदी का वेपन सिस्टम है। इसमें हवाई जहाज, हथियार, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कंप्यूटर्स, इस हवाई जहाज में ये सब चीजें हैं। ये हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा करेगा। और हमारा सपना था, सिरसा के युवाओं का सपना था कि ये हवाई जहाज एक दिन
शायद सिरसा में एचएल की फैक्ट्री में बने। आपने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान की सरकार को किया। हिंदुस्तान वेपन्स टेक्नोलॉजी में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पहले नंबर पे पहुंच सकता था, मगर आपने इस देश के युवाओं को बेचा। आपने इस देश के युवाओं से 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए और उस चोर अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाले। ये आप जनता को समझाइए। और अगर आपको राजीव गांधी जी की बात करनी है, मेरी बात करनी है, आप जरूर कीजिए, दिल खोल के कीजिए, मगर जनता को समझा दीजिए कि आपने राफेल मामले में क्या किया और क्या नहीं किया। आप जनता को यह भी समझाइए कि आपने जो वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो आपने पूरा नहीं किया। और मैं अब सिरसा के युवाओं से, सिरसा के किसानों से कहना चाहता हूं, आपको नरेंद्र मोदी ने वायदा किया, झूठा वायदा था, 15 लाख का किया, झूठ बोला। मैंने आपको आज बताया 5-6 महीने लगे हैं, हमने सच्चाई निकाली, 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। 15 लाख की सच्चाई, 15 लाख का झूठ, 3,60,000 की सच्चाई। अब और सुनिए, जहां भी चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हमने सीधा कहा, देखिए जहां भी हमारी सरकार आएगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, पंजाब में, वहां हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। माफ किया। मध्य प्रदेश में जाइए, कल वहां बीजेपी के नेता ने सवाल पूछा, वीडियो है देख लीजिए, बीजेपी के नेता ने सवाल पूछा, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया? वो बीजेपी की मीटिंग थी, उधर बोल दिया, भीड़ ने बोला हां किया, हां किया, हां किया। 2 दिन के अंदर किया। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में सरकार आएगी, किसानों के लिए 2 काम होंगे, एकदम होंगे। पहला काम, आजकल हिंदुस्तान में एक बजट बनता है, 2019 के बाद 2 बजट बनने वाले हैं, एक बजट नेशनल बजट और उससे पहले किसानों का अलग बजट बनेगा, सिरसा के किसानों का बजट बनेगा। और सिरसा के किसानों को हम बता देंगे, हिंदुस्तान के किसानों को हम बता देंगे, भाइयों बहनों, इस साल हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों के लिए इतना पैसा देने जा रही है। आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपका इतना कर्जा माफ होगा, इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, पूरा का पूरा आपको साल की शुरुआत में बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनिए, मजेदार बात सुनिए, हमने किसानों से बात की, हमने उनसे पूछा, भाई बताओ, आप बताओ आपके मन में क्या है, आप हमें ऑर्डर दो, आप मालिक हो, आप हमें बताओ क्या करा जा सकता है। हमसे सवाल पूछा, हमसे पूछते हैं, राहुल जी एक बात समझा दीजिए, अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, वो जेल के बाहर है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, जेल के बाहर। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, जेल के बाहर। और किसान, सिरसा का किसान 20,000 रुपए कर्जा लेता है, 20,000 रुपए का कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, वापस नहीं देता, उसे हरियाणा की सरकार जेल में डाल देती है। अनिल अंबानी बाहर, सिरसा का किसान अंदर। किसानों ने हमें कहा कि यह अन्याय है, राहुल जी इसके बारे में कुछ कीजिए, हमने किया, मैनिफेस्टो में लिख दिया, 2019 की सरकार बनने के एकदम बाद सिरसा का कोई भी किसान, सिरसा छोड़ो हिंदुस्तान का कोई भी किसान, कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा।
युवाओं से हमने पूछा, बताओ हम आपके लिए क्या करें, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आप ही हिंदुस्तान को रोजगार दे सकते हो। नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, आप हमें बताओ, आप ऑर्डर दो, हम आपके लिए क्या करें। सवाल पूछा, एक युवा से नहीं, लाखों युवाओं से हमने पूछा जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था। हिंदुस्तान के युवाओं ने शानदार जवाब दिया, ऐतिहासिक जवाब दिया। कहते हैं राहुल जी, अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, हम रोजगार देना चाहते हैं, मगर जब भी हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं सामने एक दीवार खड़ी मिल जाती है। मैंने कहा कौन सी दीवार, आपके सामने कौन सी ऐसी दीवार है जिसको आप नहीं तोड़ सकते हो, आप हिंदुस्तान के युवा हो। हमें कहते हैं राहुल जी हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, कहते हैं ठीक है परमिशन देंगे, पहले रिश्वत दो। दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहते हैं ठीक है वो डिपार्टमेंट अलग थी, ये नई डिपार्टमेंट है, परमिशन देंगे, रिश्वत दो। हरियाणा के सरकारी ऑफिसेज में एक के बाद एक आपको जाना पड़ता है, बिजनेस खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। राहुल जी ये दीवार हमारे सामने है, हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, हम धंधा चालू करना चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, मगर बिजनेस खोलने से पहले ये दीवार हमें मिलती है। कांग्रेस पार्टी ने ये दीवार को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा मैं बताता हूं। मैनिफेस्टो में एक लाइन, बिजनेस खोलने के लिए, छोटा बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस खोलने के लिए सिरसा के किसी भी युवा को, हरियाणा के किसी भी युवा को, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस खोलो, युवाओं को रोजगार दिलवाओ, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस चालू हो जाएगा 20-30 लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, हिंदुस्तान को आपने रोजगार दिलवाया होगा। 3 साल बाद आप जाना सरकारी डिपार्टमेंट में, जाना कहना 3 साल पहले मैंने बिजनेस खोला था, बिजनेस चालू हो गया, तैयार है, मेरे साथ युवा काम कर रहे हैं, मैंने हिंदुस्तान के युवाओं को काम दिया, अब मुझे परमिशन दो 3 साल बाद। और अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी, दीवार हमने तोड़ दी। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, मगर मेन बात यह है हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की माताएं बहनें, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार मालिक है। मालिक आप हो, ऑर्डर आपको देना है, हमारा काम सुनने का है, हमारा काम आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं है। हम आपको मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपके खून, आपके पसीने का आदर करेंगे। तो भाइयों और बहनों, अशोक तंवर को आप जिताइए, लोकसभा में पहुंचाइए, ये और ये जो काम करेगा, देखिए ये जो अंगूठा लोकसभा में न्याय योजना का बटन दबाएगा, याद रखिए न्याय योजना का बटन दबाएगा, 72,000 रुपए आप सबके बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मोदी जी, एक और छोटा सा जवाब, सिरसा की जनता आपसे पूछ रही है, हरियाणा में जो ड्रग्स चला है उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, जनता को जरा बता दीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।